जय हिंद मेरे प्यारे साथी दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर नाइनटीन फोर्टी सेवन पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का गुणसूत्र ठीक है आज हम बात करेंगे कुछ वनस्पति जंतु और जीवों के गुणसूत्र के बारे में ठीक है तो आपको मैं आज ये ट्रिक से रिलेट कराने वाला हूँ ठीक है बेस्ट ट्रिक बताऊँगा इसकी आपको मैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ठीक है ये क्योंकि केमिस्ट्री फिज़िक्स और मैथ और क्या बोलते हैं बायो ठीक है इनमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाता है दोस्तों ये बायो का टॉपिक है तो मैंने आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है ठीक है इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है तो दोस्तों लास्ट तक बनी रहिए इस वीडियो को पूरी तरह देखिए अच्छी तरह समझिए और इसकी बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है आपको मैं ट्रिक से इतनी बिंदास ट्रिक बताऊँगा धांसू वाली ट्रिक जिससे कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे आने वाले टाइम में ठीक है एग्जाम चाहे चार महीने बाद हो चाहे दो साल बाद हो ठीक है इस तरह से आपको एक बार रिलेट करवा दूंगा मैं तो दूसरी बार आपको रिवाइज करवाने के बाद आपको हंड्रेड परसेंट याद हो सकता है ठीक है आप टेस्ट लगाकर खुद देख सकते हैं ठीक है इस चीज़ के लिए तो चलिए दोस्तों हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है पहला पॉइंट है हमारा आम और चूहा ठीक है क्या आम और चूहे में कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं चालीस चालीस ठीक है दोस्तों कितने कितने चालीस चालीस तो दोस्तों आपको मैं रिलेट कर रहा हूँ एक स्टोरी बता रहा हूँ ठीक है एक बंदा है ठीक है क्या एक बंदा है दोस्तों तो अपने घर जाता है ठीक है क्या करता है वो घर जाता है वो अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि पत्नी जी मैं आम लेकर आया हूँ मार्केट से क्या तो मैं मार्केट से आम लेकर आया हूँ ये टेबल पर रखे हैं अब इन्हें तो अंदर उठाकर रख देना ठीक है किचन में अब उसकी वाइफ ने इतना ध्यान नहीं दिया ठीक है वो काम कर रही थी तो दोस्तों क्या हुआ वहाँ पर टेबल पर चूहे चढ़ गए बहुत सारे क्या चढ़ गए चूहे चढ़ गए चूहों ने सारे आम खा लिए कितने आम थे चालीस आम थे चालीस के चालीस आम खराब कर दिए खाए नहीं थोड़े थोड़े सब खराब कर दिए तो उसका आदमी क्या बोला अरे यार मैं चालीस रुपये किलो आम लेकर आया था वो सारे आम तुमने चूहों से ख़राब करा दिए तुमने उठाए नहीं ठीक है इस तरह से रिलेट करना है तो आम और चूहे कितने चालीस 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 दोनों में चलिए दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर टू ये कह रहा है बिल्ली से टाइगर ठीक है इन तीनों में बिल्ली शेर टाइगर इन तीनों में कितने कितने होते हैं अड़तीस अड़तेस गुणसूत्र होते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा बिल्ली को टाइगर और शेर तो बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है तो आपने बिल्ली को देखा होगा तो दोस्तों जब हम घर में हमारे घर में बिल्ली आती है अगर वो हमारे सामने पड़ जाए हम निकल के जा रहे हैं सामने पड़ जाए तो क्या करती है वो हमारी आंखों में आँखें डाल के देखती रहती है देखती रहती है और हटने का वहाँ से नाम लेती है क्योंकि वो अड़ जाती है क्या करती है या तो हम उसे डरा के हटाएंगे या फिर हमें खुद वहाँ से हटना पड़ेगा ठीक है तभी वो हटेगी नहीं तो क्या करती है हमारी आंखों में आँखें डाल के अड़ जाती है उसी जगह पर देखती रहेगी देखती रहेगी देखती रहेगी ठीक है तो इस तरह से तो लेट करना है तो दोस्तों ऐसे शेर होता है ऐसे टायर होता है ये तीनों जो होते हैं अड़ जाते हैं क्या करते हैं ये तीनों के तीनों तो, तो दोस्तों तीनों के तीनों अड़ जाते हैं चलिए ठीक है अब नेक्स्ट हमारा थी, पॉइंट नंबर है थ्री ठीक है अब हम किसे रेट इसमें क्या है चावल टमाटर इनमें कितने कितने चालीस वो चौबीस चौबीस गुड़सूत्र होते हैं कितने चौबीस चौबीस ठीक है दोस्तों चलिए मैं आपको एक इसकी बेस्ट से बता रहा हूँ स्टोरी के हिसाब से ठीक है एक बंदा है दोस्तों ठीक है क्या है एक बंदा तो दोस्तों इस टाइम पे कोरोना वायरस के चक्कर में है नहीं सारे लोग घर पर बैठे हैं ठीक है अब वो घर पर है बेचारा अब वो अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि बाबू बाबू तुम चावल और टमाटर बना लो यार आज बहुत मन कर रहा है खाने का ठीक है उसने क्या करा उसने बोला ठीक है मैं बना लेती हूँ तो उसने क्या करा चावल टमाटर बना लिए ठीक है अब वो बना लिए बनाने के बाद क्या हुआ उसने सुबह को खाए दोपहर को खाए ठीक है अब शाम को क्या हुआ शाम को उसके हस्बैंड ने कहा उससे कि खाना बना लो यार तो उसने कहा ठीक है बना रही हूँ तो क्या करा उसने उसने शाम को अपनी मर्ज़ी से बना लिए चावल चावल टमाटर ठीक है क्या करा शाम को अपनी मर्ज़ी से बनाई उसने चावल टमाटर अब क्या हुआ अब जैसे ही उसने वो सामने उसके लेकर आई परोस कर उसने देखा क्या यार तुमने सुबह भी मुझे यही खिलाए थे चावल टमाटर अब फिर चावल टमाटर चौबीस घंटे चावल टमाटर खिलानी है क्या मुझे पतला करना है क्या इस तरह से उसने ये बात उससे बोली ठीक है क्या चौबीसों घंटे चावल और टमाटर खिलानी है मुझे क्या ठीक है इस तरह से रिलेट करना है चावल और टमाटर चौबीस घंटे ठीक है इस तरह से रिलेट करना है चलिए पॉइंट नंबर हमारा फोर है ये कह रहा है प्याज प्याज कितने होते हैं सोलह बुर्ट ठीक है अब कोई भी है ना हाउस बाइफ है ठीक है क्या कर रही है वो प्याज को छील रही है तो छोला छीला या छोला ठीक है छोला कर लो ठीक है सोलह को सोलह कितना होता है सोलह सोलह को छोला से रिलेट करेंगे क्या करेंगे सोलह को छोला से ठीक है इस तरह से हम लिखेंगे इसे छोला ठीक है क्या करा उसने प्याज को छोला सोला छोला क्या प्याज प्याज को छोला नुका अगर हम प्याज को छील के खाते हैं ना तो छीलने की जगह छोला कर देंगे छोला ठीक है हमने प्याज को छोले से छीला ये छोला होता है छोलने वाला ठीक है जैसे चाकू से चाकू की तरफ होता है छोला छोले से छीला ठीक है हमने प्याज को ठीक है इस तरह से रिलेट करना है चलिए हमारा पॉइंट नंबर फाइव ये कह रहा है नींबू गाजर ठीक है इनमें कितने कितने पाए जाते हैं अठारह अठारह गुणसूत्र पाए जाते हैं तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आ रहा है नींबू तो दोस्तों एक बच्चा है ठीक है क्या कर रहा है वो नींबू निचोड़ निचोड़ या फिर एंट निचोड़ लो या फिर एंट लो उसको देहाती भाषा में ऐंठना बोलते हैं ठीक है जैसे पकड़ के हम ऐठ देते हैं कपड़े को इस तरह से यानी को पकड़ के ऐठ रहा है उसकी मम्मी आई कि बेटे ये क्या कर रहा है तू कि मम्मी मम्मी मैं नींबू निचोड़ रहा हूँ क्या क्यों निचोड़ रहा है मुझे गाजर की सब्जी में डालना है नींबू ठीक है ऐं रहा है इसे क्यों नहींण रहा है यार क्यों ऐठ रहा है इसे मुझे गाजर की सब्जी में डालना है इसलिए ऐं रहा हूँ मम्मी मम्मी ठीक है इस तरह से गाजर और नींबू में क्या है अठारह गुड़सूत्र होते हैं ठीक है अठारह अठारह ठीक है इस तरह से रिलेट करना है चलिए दोस्तों बात आती है खरगोश आती है खरगोश की ठीक है तो दोस्तों यहां पर खरगोश में कितने पाए जाते हैं खरगोश में कितने फोर्टी फोर चवालीस पाए जाते हैं ठीक है किसमें खरगोश में तो दोस्तों आपने देखा होगा खरगोश ठीक है क्या होता है खरगोश खरगोश के चार पैर होते हैं ठीक है जब वो भागता है तो क्या करता है तो दोस्तों क्या करता है जब भागता है तो जब उसके जब वो भागता है तो उसके पैर लगते हैं चार और चार आठ चार पैर ये हैं चार ये हैं समझ नहीं आता कि कितने पैर हैं ठीक है थीके? इस तरह से इतनी स्पीड से भागता है बहुत फास्ट भागता है ना तो उसके कितने चार की जगह आठ पैर दिखाई देते हैं ठीक है थीके? तो चार 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 इस तरह से आठ चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर हमारा सेवन ठीक है सेवन तो मनुष्य के बारे में आपको सबको पता होगा मनुष्य में कितने फोर्टी सिक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं ठीक है मनुष्य के अंदर दोस्तों इतना तो हमें पता होना चाहिए अपने बारे में ठीक है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर आठ की इसमें आलू तम्बाकू चिंपैनजी ठीक है दोस्तों आलू तम्बाकू चिम्पैनजी दोस्तों इनमें कितने कितने पाए जाते हैं इनमें पाए जाते हैं अड़तालीस अड़तालीस ठीक है किसमें आलू आलू तमा आलू तम्बाकू सॉरी आलू तम्बाकू चिमपैनजी इनमें कितने अड़तालीस अड़तालीस फोर्टी एट फोर्टी एट गुणसूत्र पाए जाते हैं ठीक है तो दोस्तों आपको मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ ठीक है स्टोरी के माध्यम से हमें रिलेट करना है तो दोस्तों एक आलू के खेत में क्या आलू के खेत में एक बंदा काम कर रहा है ठीक है काम कर रहा है काम करते करते थक गया अब वो क्या करता है थोड़ी थोड़ी देर पर क्या करता है वो अपने पंजे में वो लेता है क्या चिंपैनजी पेंजी को पेंजी आ रहा, रहा, रहा है ना पेंजी को पंजे से कर देंगे पंजे से क्या लेता है कुबेर लेता है क्या कुबेर ले लो तम्बाकू ले लो ठीक है तंबाकू को पंजे में लेकर रगड़ कर उसे खा जाता है बार बार तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको मैंने बताया था ऊपर क्या बताया था ऊपर मनुष्य के बारे में बताया था मनुष्य देखो आलू जो होता है मनुष्य से संबंधित होता है ठीक है तम्बाकू मनुष्य खाता है चिंपैन जी होता है मानव मतलब मानव की तरह होता है चिमपैन ठीक है इस तरह से तो मनुष्य से दो अधिक ठीक है यहाँ पर छियालीस आ रहा है यहाँ पर अड़तालीस मनुष्य से दो गुना मतलब दो आ गए ठीक है दो और ऐड कर देंगे तो अड़तालीस हो जाए ठीक है क्या आलू तंबाकू चिमपैन ठीक है ये तीन चीज़ें होती हैं इनमें मनुष्य से दो अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं इनमें अड़तालीस पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भालू की ठीक है दोस्तों क्या करते हैं भालू दोस्तों भालू में कितने होते हैं सेवेंटी फोर चौहत्तर गुणसोत्तर ठीक है दोस्तों अब दोस्तों ये बताओ जिस आदमी के अंदर चौहत्तर किलो वजन होगा जिसके अंदर चौहत्तर किलो वेट होगा वो तो भालू की तरह लगेगा ना क्या होगा वो तो भालू लगेगा पूरा भालू जिसके अंदर चौहत्तर किलो वजन होगा बहुत होता है ठीक है बहुत मोटा हो जाएगा वो तो क्या लगेगा भालू लगेगा ठीक है चौहत्तर किलो वजन वाला चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर फोर वो सॉरी टेन ये कह रहा है डॉग में कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं कुत्ते में कितने पाए जाते हैं सेवेंटी एट दोस्तों हमें तो इतना पता होना चाहिए कुत्ते में कितने पाए जाते हैं सेवेंटी एट तो दोस्तों कुत्ता भालू ठीक है इस तरह से रिलेट कर लेंगे कुत्ते में जो होते हैं भालू से चार ज़्यादा होते हैं ठीक है थीके? इस तरह से रिलेट करना है हमें तो दोस्तों अब बात करते हैं मच्छर के बारे में तो दोस्तों मच्छर में कितने पाए जाते हैं ठीक है मच्छर छः यहाँ पर छ छ छ ले लो छ मच्छा छा रहा छा ठीक है इस तरह से लेट कर लेंगे इसे तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम मक्खी की ठीक है मक्खी मक्खी में कितने पाए जाते हैं बास, दोस्तों इसमें बारह पाए जाते हैं ठीक है कितने पाए जाते हैं मक्खी में बारह तो दोस्तों कितने पाए जाते हैं इसमें मक्खी में बारह ठीक है दोस्तों अब एक बात बताइए अब यहाँ पर हमने मच्छर देखे मच्छर में कितने होते हैं छः मक्खी में कितने बारह तो दोस्तों ये बताओ जब हम मक्खी को पकड़ते हैं मच्छर को तो हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं ठीक है मच्छर को पकड़ सकते हैं आसानी से लेकिन मक्खी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि मक्खी मच्छर से क्या होती है दो गुनी फास्ट होती है क्या होती है दो गुनी फास्ट क्योंकि छः दुनी बारह दुगनी उसकी स्पीड जो होती है उड़ने की वो दुगनी होती है ठीक है उससे क्या होती है दो गुनी एक्स्ट्रा होती है ठीक है क्योंकि मच्छर को हम आराम से आसानी से पकड़ सकते हैं दोनों हाथों के बीच में लेकिन मक्खी हमारे हाथ आसानी से नहीं आ सकती क्योंकि वो उससे दोगुनी फास्ट होती है इसलिए ठीक है दोस्तों चलिए तो मच्छर में छः और मक्खी में कितने बारह ठीक है कितने दो गुने ज़्यादा ठीक है इस तरह रिलेट करना है हमें मच्छर में छः पाए जाएंगे इसमें बारह पाए जाएंगे ठीक है चलिए अब हमारा पॉइंट नंबर तेरह दोस्तों अब देखते हैं पॉइंट नंबर तेरह इसमें क्या है इसमें बात करेंगे मक्का के बारे में ठीक है दोस्तों मक्का अब दोस्तों जब हम मार्केट में मक्का जाएंगे मक्का के भुंटे लेने जाएंगे ठीक है क्या मक्का के भुंटे तो दोस्तों वहाँ पर क्या दे रहा है बहुत महंगा भुंटा दे रहा है बीस रुपये का एक भुंटा कहाँ पंद्रह सोलह रुपये किलो मक्का मिल जाती है ठीक है वहाँ एक भुंटा दे रहा है वो क्या दे रहा है एक घंटा दे, मेह, मेह, दे रहा है बीस रुपए का महंगी मक्का दे रहा है ठीक है इस तरह से तो लेट करना है क्या दे रहा है महंगी दे रहा है मक्का बीस रुपए का एक घंटा ठीक है चलिए अब बात करते हैं घोड़े के बारे में ठीक है घोड़े में कितने पाए जाते हैं सिक्सटी फोर चौंसठ गुड़सूत्र ठीक है दोस्तों किस में घोड़े में चौसठ तो दोस्तों आपने चौसा का युद्ध पढ़ा होगा चौसा का युद्ध चौसा का युद्ध ठीक है दोस्तों आपने चौसा का युद्ध में क्या होगा चौसा के युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था घोड़ों से घुड़सवारी करके तब युद्ध लड़ा गया था क्या हुआ था चौसा के युद्ध में घोड़ों का प्रयोग किया गया था वहां पर घुड़सवारी जो हुई थी उसमें क्या हुआ था घोड़े का प्रयोग किया गया था ठीक है चौसा के युद्ध में ठीक है इस तरह से रिलेट करना है ध्यान रखना चौसा के युद्ध में क्या हुआ था घोड़ों घोड़ों का प्रयोग हुआ था दोस्तों हमारा लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट रह गया है ये क्या है कबूतर ठीक है अब हम बात करेंगे कबूतर के बारे में दोस्तों कबूतर हम पाए जाते हैं अस्सी से करेंगे फसी, फसी, फस फस ठीक है इस तरह से क्या होता है पहले क्या करते थे पहले शिकारी लोग हैं नहीं उसे फांस लेते थे फसी अस्सी को फसी से कर देंगे ठीक है अस्सी को फसी से फंस गया ठीक है कबूतर क्या होता है कबूतर को पुराने जमाने में लोग मतलब अधिकतर शिकारी लोग अपने जालों में जाल बिछा कर कबूतर को फांसना चाहते थे क्या फांसना अस्सी फस्सी फस अस्सी फस फस्सी इस तरह से रिलेट करना ठीक है अस्सी फस्सी फस्सी से फंस करना है ठीक है तो बेचारा कबूतर फंस जाता ठीक है उसमें इस तरह से तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों